बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लिनोवो का पीसी है, K45 इसका मदरबोर्ड का मॉडल है। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो तो 8183 इस तरह मॉडल है इसका। वो मॉडल नंबर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो इसको प्रॉब्लम जो आ रही है वो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। इसकी जो प्रॉब्लम है वो है, ये डिस्प्ले नहीं दे रहा, ठीक है। ये बीप आ रही है इसकी, जैसा कि ये ऑन की है, ये चेक कर रहे हैं आप। इसके रैम जो है ना वो बीप कर रही है। ये रैम की बीप भी होती है, ठीक है, बायोस की बीप भी होती है, ठीक है, और ये किसी और चीज़ की भी बीप आ सकती है इसमें। ये आपको इंशाल्लाह मैं मसला हल करके बताता हूँ कि इसको प्रॉब्लम किस चीज़ का, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके कवर ओपन करके देखते हैं ज़रा प्रॉब्लम है क्या। इसको थोड़ा सा ये गंदा हुआ है, इसको पहले हम मारेंगे फ्लोर इसकी सफाई के लिए। पहले इसको साफ कर लेंगे जरा, जो मट्टी वगैरह इसके अंदर है वो सर्विस वगैरह हो जाएगी इसकी। ये जैसा कि देख सकते हैं अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गया, जरा इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह थी वो सारी ली गई है। अभी देखते हैं इसकी फिलहाल जो रैम है जी, ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ थोड़ा सा कार्बन आया हुआ है इसके अंदर, रैम के अंदर। इसकी सफाई करेंगे, ये देखें इसको भी कार्बन है नॉर्मल सा। चले अल्लाह अकबर, जी दोस्तों ये कार्बन जो आया है इसको सफाई करेंगे ज़रा। ये मैंने लिया है काटन है एक, इसके साथ मैंने लगाया थिनर, ठीक है, थिनर होता है सफाई के लिए, ज़रा हम यूज़ करते हैं कार्बन वगैरह इससे चला जाता है। आप थिनर ले लें, अगर थिनर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप पेट्रोल ले सकते हैं। पेट्रोल तो आम चीज़ है, आपकी गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल चलता है, पेट्रोल आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पेट्रोल भी नहीं है, ठीक है, तो आप जो बच्चों की रेज़र होती है ना, जो कच्ची पेंसिल से रेज़र के साथ रिमूव करते हैं उसकी लिखाई को, वो रेज़र ले लें आप, ठीक है। उस रेज़र से भी आप जो है ना साफ कर सकते हैं। तो इसकी स्लॉट के अंदर भी ब्रश मार लेते हैं एक दफ़ा कि इसका मट्टी का कोई चीज़ वगैरह रह ना जाए अंदर। बिस्मिल्लाह, ये रैम लगाते वक्त आपने ध्यान से देखना है, ये इसके लॉक्स हैं, ठीक है। ये लॉक इसके नॉर्मल जो है ना इसके अंदर रैम के लॉक के अंदर बैठे हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, ठीक है, दो लॉक्स हैं इसके। बिस्मिल्लाह जी दोस्तों, भी लगा के चेक करते हैं इंशाल्लाह इसका मसला हल हो गया होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, जी दोस्तों जैसा कि ये देख रहे हैं आप, लाइट ऑन हो गई है इसकी, ठीक है, लाइट ऑन है। देखते हैं इसका डिस्प्ले, जी सर बिल्कुल ओके हो गया। तो लिनोवो का जो K45 मॉडल है,
ये इसकी जो बीप का इशू है वो रैम की वजह से होता है, रैम के अलावा बायस का भी होता है, लेकिन ये फ़िलहाल रैम से ही हल हो गया। तो आज के लिए इतना ही, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम बनती है पीसी लैपटॉप के मुतल्लिक तो आप वीडियोस देख सकते हैं, अगर नहीं समझ आती तो आप रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। सपोर्ट करना जो है ना वो ना भूलिएगा।